बच्चियों के फ्यूचर को पैसा लिया है उसने, ये बड़े माफिया है, इसने हमारी कंसेंट के बगैर हमारी बच्चियों को एजुकेशन जो एक डिफेंस स्कूल है उसमें एडमिशन करवाए, उसमें एलजी साहब इन नन्ही बच्चियों के फ्यूचर के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। मेरी बच्ची जो है वो ऑर्बिट गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है थर्ड क्लास में, जब हमने उसका एडमिशन लिया तो इन्होंने हमारे से ये प्रॉमिस किया था कि ये जो स्कूल एक तो ये स्पेशली फॉर गर्ल्स है और दूसरे नंबर पे ये जो है ट्वेल्थ तक इसकी, मान लो ट्वेल्थ तक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ट्वेल्थ तक इसकी एफिलिएशन है। अब जब पिछली बार जब हमने मान लो स्कूल फी जो पेंडिंग थी ड्यूज वो पे किए, तो दिसंबर में हमें मैसेज आती है ग्रुप में कि पेरेंट्स के साथ मीटिंग है, जब हम वहाँ पे मीटिंग करने गए तो उन्होंने कहा कि हमें स्कूल जो है वो शिफ्ट करना है, जो स्कूल का बिल्डिंग का ऑनर है वो हमें मान लो कह रहा है कि स्कूल यहाँ से शिफ्ट करो। हमने पूछा कि मान लो क्या नाम है इसका, आपने उसने कोई नोटिस वगैरह भेजा, क्योंकि ये तो इंस्टीट्यूट है आप तो इमीजिएटली इसको शिफ्ट कर नहीं सकते, उसके लिए कोई नोटिस भेजा होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं भेजा। हमारे हज़ार बार इंसिस्ट करने के बावजूद और ना हमसे कोई कंसल्ट लिया ना कुछ, इसने स्कूल जो है वो मर्ज कर लिया एमईटी के साथ, जबकि वो कोई एजुकेशन है। हमारे बच्चों को अगर एडमिशन हमें वहाँ पे दिलाना होता तो हम पहले भी एमईटी के में, हमने बच्चियों को एडमिशन किया था ऑर्बिट गर्ल्स स्कूल पीरबाग में है जो एक्सक्लूसिव फॉर गर्ल्स था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से और हमारे जो इदारे हैं वो एजुकेशन इदारे वो असल में बीमार है। ये जो ऑर्बिट गर्ल्स स्कूल था ये एक्सक्लूसिव फॉर गर्ल्स था, इन्होंने इन बच्चों को दूसरे स्कूल में मर्ज करके इन एडमिशनों का पैसा लिया है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमारे जो चीफ एजुकेशन अफसर साहब है वो एक लीडर है, एजुकेशन के लीडर है, हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है एक बार अपने ऑफिस से निकलकर एक कमेटी बना के एक बार देखे। लेकिन बदकिस्मत, अगर इसको स्कूल बंद ही करना था तो नवंबर में सेशन क्लोज होता, इसको बताना था कि भाई साहब मुझे स्कूल बंद करना है, आप किसी और स्कूल में एडमिशन कीजिए। गुजारिश करते हैं एलजी साहब से जो ना एक एक छोटी छोटी बात को एड्रेस कर रहे हैं, जो काफ़ी बड़े लीडर है, जो हमारी इन बच्चियों के फ्यूचर को के साथ इंसाफ जरूर करेंगे। 25 सर, 225 लड़कियां हैं उसमें, लेकिन वो उस स्कूल को खड़ा करना चाहता है इन बच्चियों के साथ, और वो 40 कनाल लैंड हड़प करना चाहता है।